ये हमारे जो भारत के संविधान निर्माता है अम्बेडकर जी, उनके आज जयंती पे हमने रैली निकाली है और सभी लोगों ने यहाँ पे, सभी धर्म के लोगों ने यहाँ रैली निकाली है और आप देखिए कितनी भीड़ है। तो सभी को मैं धन्यवाद दूंगी बहुत बहुत कि इतनी भीड़ आई है आज इस जयंती में, तो बस धन्यवाद दूंगी सभी को। धन्यवाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब की 131वीं जयंती को लेकर अजमेर बार एसोसिएशन की तरफ से, सभी अधिवक्ता गणों की तरफ से 2 दिवसीय पखवाड़ा रखा गया, जिसमें कल बार एसोसिएशन के 75 सालों में पहली बार बार हॉल में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई, संगोष्ठी रखी गई और 14 तारीख को समस्त अधिवक्ताओं द्वारा मिल्क रोज की व्यवस्था की गई है और बाबा साहब के जन्म दिवस पर 21 पौंड का केक काटा गया है। 21 किलो की माला पहनाकर बाबा साहब को माल्यार्पण किया गया है और सभी अधिवक्ताओं में उत्साह है। और आज हमने 131वीं जन्म दिवस पर बाबा साहब का ये प्रण लिया है कि हर साल इसी तरीके का कार्यक्रम करेंगे, अगली बार 151 किलो का पौंड का केक काटा जाएगा और 151 किलो की माला बाबा साहब को पहनाई जाएगी सभी अधिवक्ताओं द्वारा। एडवोकेट रविंद्र चौहान। बाबा साहब के 131वें जन्मदिन पर आज बार एसोसिएशन अजमेर के अधिवक्ताओं ने यहाँ पे बाबा साहब के सर्किल पर मिल्कशेक की व्यवस्था की है। बाबा साहब के जन्मदिन पर 21 पौंड का केक काटा गया है। बाबा साहब के स्वागत में वकीलों की ओर से पुष्पांजलि अर्पित करते हुए 21 किलो की माला पहनाई गई है और साथ ही हम अधिवक्ताओं ने सभी रैली वालों को आश्वस्त किया है, प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे वकीलों का जो है टेंट यहाँ लगा हुआ है, कोई भी आकर के संपर्क कर सकता है, ये सुविधा हमने उपलब्ध कराई है। वाहन रैली हमने नहीं निकाली है, उसके लिए हमने एक दिन पहले पूर्व बारिश हॉल के अंदर हमने कार्यक्रम किया था और वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा का स्थापना किया है।